हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी टॉक विद आशिमा में। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर आशिमा नेगी। दोस्तों, यूजीसी के लिए एक नई न्यूज लेके आए हैं हम आपके सामने, जो प्रेजेंट करने जा रही हूं मैं आपके सामने कि अभी अभी आज ही, आज 9 जुलाई 2019 को फाइनल एनटीए ने रिलीज कर दी है अभी थोड़ी देर पहले अपनी ऑफिशियल आंसर की, जो एक तरह से कही जा रही है कि रिवाइज्ड की है, क्योंकि आपको याद होगा कि 6 तारीख तक की डेडलाइन एक्सटेंड हो गई थी, जिसमें आपने विदाउट पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज बाय ईमेल सबमिट किए थे अपने उन क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज जो आपको डाउटफुल लग रहे थे। तो उसके बाद मंडे को एनटीए ने, यानी कि आपकी 8 तारीख को, उन सारे आंसर्स को आपकी ईमेल्स की डेफिनेटली रिवाइज किया होगा, और उसको रिवाइज करने के बाद उन्होंने अपनी फाइनल ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो अब आप जाइए जल्दी से इस आंसर की को जो है चेक कीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी परसेंटेज बैठ रही है। आपको मैं एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देती हूं, और लिंक जो है वो मैं आपका इस ऑफिशियल की का नीचे बॉटम में डिस्क्रिप्शन में। आपकी जो ऑफिशियल की है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, जैसे मैंने स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट की है। आपको इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको एप्लीकेशन नंबर डाल के, अपना रोल नंबर डाल के कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिंक को खोलिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके यहाँ पे लिंक दिख रहा है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और आपकी खुल जाएगी ये आपके सामने ऑफिशियल आंसर की। ये जो ऑफिशियल आंसर की है, इसमें आपने क्या देखना है, आपका सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट कोड क्या गिवन है। द मोमेंट आप इस सब्जेक्ट कोड को देखते हैं, इस डेट को देखना इतना मटेरियलिस्टिक नहीं है, शिफ्ट को आप सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए देख लीजिए। आपने क्वेश्चन आईडी के बदले क्या आंसर दिया हुआ है, और आपने कौन सा आंसर, जैसे आपने 702 ही मार्क किया था, 702 करेक्ट आंसर है, तो ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 748 के लिए आपने मार्क किया था 708, और यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया 709, तो इसका मतलब आपका ये आंसर हो गया गलत। तो आपको यहाँ इसका मार्क मिल रहा है, इसका मार्क नहीं मिल रहा है, इसका भी मार्क मिल रहा है। इस तरीके से आपने इवैल्यूएट कर लेना है आपका आंसर की। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है ऑफिशियल आंसर की, दैट हैज बीन रिलीज्ड फॉर द पेपर कोड 17, यानी कि मैनेजमेंट के लिए। सेकेंड शिफ्ट में ये हुआ था, 24 तारीख को ये पेपर हुआ था, लाइकवाइज 26 तारीख को पेपर हुआ था कॉमर्स के लिए, तो उसके लिए आपको जीरो कोड देखना है 08 का। लाइकवाइज आपको सारे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देखने हैं, और एक मजे की बात ये है, ये सारे सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो पहले आपको 001 मिलेगा विच इज फॉर इकोनॉमिक्स, देन आप सीरियल वाइज चाहेंगे फिर आपको 08 भी मिल जाएगा, उसके बाद फर्दर आप सीरियल वाइज जाएंगे 017 भी आ जाएगा, एंड लाइकवाइज आपके कोड धीरे धीरे आते रहे, तो ज्यादा आपको इसको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इजीली बस आपको ये आंसर्स मैच करने हैं कि आपने ये आंसर्स दिए हैं कि ये नहीं दिए हैं। ठीक है, चलिए आइए ले चलती हूं आपको मैं एनटीए की वेबसाइट की। ये आपको दिख रही है स्क्रीन पे एनटीए की वेबसाइट, जहां पर आपको लिंक दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देती हूँ लिंक। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके दे दिया, ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है फाइनल आंसर की रिलीज्ड। तो जो सारे बच्चों ने मुझे ये कहा था कि मैम ये SMS जो है फ्रॉड है, जो आपको लोगों को फ्राइडे को पहुंचा है, ये एनटीए ने नहीं भेजा है कि आप ईमेल के द्वारा भेज दीजिए अपने रिवाइज्ड आंसर्स, ये आपके साथ में फ्रॉड कोई कर रहा है, आपके ईमेल आईडी कलेक्ट करने की बात हो रही है। अब वो सारे बच्चे चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रॉड नहीं था, ये SMS बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू था SMS, क्योंकि नहीं तो यूजीसी को क्या पड़ी थी, फिर से एनटीए को क्या पड़ी थी ये आंसर की जारी करने की। तो दैट इज क्लियर, और ये भी बात क्लियर है कि एनटीए ने पूरा पूरा अपने कैंडिडेट्स का ध्यान रखा है, और तभी उन्होंने ये फाइनल आंसर की रिवाइज करके फिर से रिलीज की है। ठीक है, तो जाइए एक बार से जल्दी से अपने आंसर चेक कीजिए, और अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, एक बात आपको और बतानी है, मैंने काफी सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत प्यार मिला है आपके थ्रू मुझे इस वेबसाइट पर, यूट्यूब के चैनल पर काफी सारे हेट मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो हेट मैसेजेस वाले बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर दूं पहले ही कि बच्चे, कट ऑफ नाम का जो कॉन्सेप्ट आप लेके दिमाग में बैठे हुए हो, और अगर आपका पेपर क्वालिफाई भी नहीं हो रहा है, पेपर आपका क्लियर भी नहीं हो रहा, तो आप हेट मैसेजेस तो लिखोगे ही लिखोगे, ये बात तो बिल्कुल श्योर है। लेकिन जो बच्चे रियल में, सच में काफी सारे बच्चे परेशान है कट ऑफ को लेके, उनके लिए बता दूं कि बच्चे कट ऑफ जैसी चीज के में आप मत पढ़िए, मेरे को आपको कट ऑफ का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बताना पड़ेगा, तो ही हम लोगों को क्लियर होगा। देखिए
कट ऑफ का बेसिकली एक्चुअली मेथोडोलॉजी क्या होती है, कट ऑफ को कोई भी फैकल्टी, कोई भी आपका यूट्यूब का एजुकेटर, कहीं का भी एजुकेटर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. मार्क माई वर्ड्स, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. रीजन भी, आपको नहीं पता कि क्रीम कितनी जाने वाली है रिजल्ट में. फॉर एग्जाम्पल, आपने तो क्लियर कर लिया, आपके 62.34% बन गए, ठीक है. लेकिन आप ही के पेपर सब्जेक्ट में किसी एक बच्चे ने टॉप किया है, वो टॉप करने के बाद उसने अचीव किए हैं 78.93%. अब यूजीसी एनटीए को इस नंबर से नीचे आना है, उसे डिसेंड करना है, और अपीयर्ड बच्चों में से 6% बच्चे छांटने हैं. जब वो 6% छांटेंगे, हो सकता है वो 6% जाके रुके 61.33 पर जाके. तो आप तो क्वालिफाई कर गए, आप 62.34 में, आप 6% में आ गए, टॉप 6% में, ठीक है. लेकिन ये जो कट ऑफ बैठी, फिर कट ऑफ क्या बैठेगी, 61.33% हैज बीन द लास्ट कट ऑफ, जिसपे मैंने लास्ट छठा परसेंट का बच्चा जो है सिलेक्ट किया है. ये कट ऑफ का मैकेनिज्म होता है. और बच्चे, जब हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो कट ऑफ कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है. ये तो वो बच्चा होगा ना जो क्रीम का है, जो सबसे ज्यादा हाइएस्ट रैंकर है आपके सब्जेक्ट में. और क्या पता कि कौन सा बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कौन से एजुकेटर से पढ़ा हुआ है, कितनी प्रिपरेशन उसने की है जो ये हाईएस्ट मार्क्स लेके आया है. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स, ठीक है. सो रिजल्ट्स के चक्कर में मत पड़िए, अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए. और अगर आपके मन में आ गया है कि आप क्वालिफाइड हैं, तो बच्चे लेट मी टेल यू, हम लोगों को यूजीसी के थ्रू जो है क्वालिफाई करने के बाद एक्टिविटीज टीचिंग की करनी है, रिसर्च की करनी है, उस पे ज्यादा फोकस कीजिए, परेशानी मत अपने लिए पालिए. सो कट ऑफ के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अपना मन को छोटा मत कीजिए, अपने आप को बिल्कुल आराम से रखिए, जाइए जाके आंसर चेक कीजिए और हमें जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर किया है. और याद रखिए, कॉन्टेस्ट चल रहा है मेरे उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने मेरी लाइव क्लासेस अटेंड की थी डेली, और उन लाइव क्लासेस के बच्चे अगर वो क्वालिफाई करते हैं JRF, तो टॉप 3 परफॉर्मर्स के लिए आपको अपनी मार्कशीट भेजनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं ईमेल आईडी शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में. टॉप 3 परफॉर्मर्स को एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज जो है वो उनके लिए अवेट कर रहा है, ठीक है. तो जाइए जल्दी से, आप आंसर की चेक कीजिए अपने. अब मैं फिर से कह सकती हूँ कि अब आपका रिजल्ट आने वाला है. तो जिन लोगों ने कहा था कि रिजल्ट के मैम आपका नहीं आया, आपकी बात फाइनल नहीं हुई, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता था कि रिजल्ट क्यों लेट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की जो थी उस टाइम मैच नहीं कर रहे थे. तो अब मैं कह सकती हूँ कि रिजल्ट इस वीक में एक्सपेक्ट कीजिए, बिल्कुल ही आ जाएगा. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ढेर सारे प्यार एंड ढेर सारे हेट के लिए थैंक यू वंस अगेन. टेक केयर, गॉड ब्लेस.